था जिसका इंतजार वो तारीख आ गई 9 अगस्त। जी हां, 9 अगस्त को पीडीएम हुकूमत घर चली जाएगी। इस बड़ी खबर का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद वजीर आजम ने किया। अरकान पार्लियामेंट के एशाइये में शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को असेंबली तहलील की तारीख दी। तमाम मेंबरान कौमी असेंबली, तमाम पार्टीज के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर नहीं भी मौजूद, तमाम सेनेटर्स का मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ पर और मेरी हुकूमत पर आपने पूरा एतमाद किया और पार्लियामान में पूरा साथ दिया। मैं उसका मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूँ। ये यादें, ये मोहब्बत हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेंगी और एक असासा बन करेंगे इंशाल्लाह। वजीर आजम कहते हैं कि कोशिश की जा रही है कि ऐसा निगरान सेटअप तश्कील दें जो सबके लिए काबिले कबूल हो। एक शख्स की जिद ने हर इदारे और शोबे को तबाह कर दिया था। हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को भंवर से निकाला। 15 माह में बेशुमार चैलेंजेस का सामना करने वाली पीडीएम हुकूमत अब खत्म होने को है। इन्हीं 15 माह की कारकर्दगी को लेकर 13 जमाती इत्तेहाद इलेक्शन में जाएगा और अपने अपने वोटर्स कायल करेगा कि इन जमातों को दोबारा वोट दें।